सो गाइस, ये हैं पीवीसी सेफ्टी टैंक। इनकी खासियत है कि ये तीनों को हमने नीचे से जॉइंट कर रखा है। तो गाइस, सोचने वाली बात ये है कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे। सो गाइस, आपने देखा होगा जैसे कि हमने ये तीन टैंक रखे हैं, मतलब जो पेट्रोल या डीजल के लिए टैंक यूज होते हैं ड्रम, ये रखे हैं हमने, इनको तीनों को नीचे से जॉइंट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये टैंक किस तरीके से काम करेगा? तो गाइस, ये हमने एक प्रैक्टिकल के लिए खुद से थोड़ा सा बजट लगा करके ये चीज़ चेक करने के लिए ड्रम लगा करके हमने नीचे से ही सारे कनेक्शन जोड़ दिए हैं। जैसे इनपुट ऊपर से हो गया और सारे नीचे से मिला करके आउटपुट ऊपर से हो गया। तो गाइस, इसमें एक चीज़ और है, अभी हमने यहाँ पे गैस पाइप लगा रखी है, बट आपको वीडियो में नहीं मिलेगी क्योंकि हमें शूट करना रह गया था। गैस पाइप जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखी है। तो गाइस, आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे कि ये मतलब अपना सेफ्टी टैंक अच्छे से काम करता है या नहीं करता। अगर करता है तो हमें इस तरीके से बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्या हमारा दो सेफ्टी टैंक, जो दो टैंक बना लें, अगर हम चैम्बर चाहे हम सीमेंटेड बना लें, तो भी ये हमारा टैंक काम करेगा या नहीं करेगा, आज इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने, सबसे पहले हम होल निकाल के दिखाएंगे। तो होल किस चीज़ से निकालेंगे? हम ड्रिल से जो हम निशान लगा रहे हैं, ये हमारे पास सॉकेट को काट के दूसरा हिस्सा, मतलब सॉकेट का दूसरा हिस्सा है जो कोलर होता है, सॉकेट को बीच में से काट करके हमने उसके दो हिस्से करके और एक हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। और उसका पहले हमने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने, हम स्टेप बेट के साथ होल निकालना शुरू कर दे रहे हैं। जो किस तरीके से होल निकाल रहे हैं, जो स्टेप बेट है लास्ट, इसका मैक्सिमम साइज़ है 25 mm, बट हम इसका होल जो निकाल रहे हैं कम से कम 110 mm का होल निकाल रहे हैं, जो कि 25 mm का इसका साइज है। तो गाइस, इसी तरीके से होल निकाल रहे हैं। मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ थोड़ा फास्ट करके, जिससे आपको अच्छे समझ लग जाएगी किस तरीके से हमने सारे होल निकाले और किस तरीके से हमने इसके कॉलर वगैरह जोड़े। सो गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने, हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया और कंप्लीट सारे के सारे होल आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से हमने निकाले, जो कि स्टेप बेट के साथ पूरे अच्छे तरीके से इसके हमने कॉलर तैयार किए, किनारे तैयार किए। ये देखिए, जो ये सॉकेट का टुकड़ा इसके अंदर परफेक्ट आ चुका है। तो इसी तरीके से सभी ड्रम के अंदर होल इसी तरीके से निकालेंगे, पूरे परफेक्ट तरीके से निकलेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं आपके सामने है, और इसको धीरे धीरे हम खुला कर लेंगे, जिससे ये देखिए हमने साइड पे होल निकाल दिए। ये देख सकते हैं आपके सामने है। तो गाइस, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया जिससे आपको आपका ज़्यादा समय ना लगे, आपको एक एक चीज़ अच्छे से मालूम पड़ जाए। ये देख सकते हैं, ये लीजिए। सो गाइस, ये देख सकते हैं आपके सामने होल निकाल रहे हैं, जो कि तरह तरह के तरीक़ों से होल निकाल रहे हैं, जिससे कि समय कम लगे और होल बढ़िया से बढ़िया निकले। ये देखिए, पूरा परफेक्ट गोल होल हमने निकाल दिए। सो गाइस, हमने होल तो निकाले थे, बट यहाँ पे क्या था कि जो हमने एमसील लगाई थी नीचे पाइप के टुकड़ों को या ऊपर जो भी होल निकाल करके, बट उसकी हमने वीडियो शूट करना जो भूल गए थे। तो आपको हम दिखा देते हैं, एमसील के साथ परफेक्ट तरीके से हमने इसका जो जॉइंट लगा दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो है, उसमें कंप्लीट बताया गया किस तरीके से हमने होल निकाला, बट होल निकालने का तरीका अलग था और एम सील लगा करके जो पक्का करना वो तरीका सेम ही था। और यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट वो वाला है और यहाँ से हाफ सेट लगा करके आउटपुट है। और ये देखिए, हम यहाँ पे पी ट्रैप लगा रखा है, यहाँ पे मुड़ीसा पेन टॉयलेट सीट फिट करेंगे, जो कि अभी मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं जो यहाँ पे किस तरीके से हमने, ये देखिए इनपुट दे रखा है और तीन ड्रम में तीसरे से हमने आउटपुट दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, जो साइड से भी आप देख सकते हैं। तो गाइस, इसमें एक डिफरेंट है कि ये तीनों ड्रम
जो टैंक है नीचे से ही जॉइंट हो रखे हैं, ऊपर से जॉइंट नहीं है। ये जैसे पहला ऊपर से हो जाते दोनों और एक नीचे से, वो सिस्टम इसमें नहीं है। जो कि ये जो ड्रम बनाए गए हैं ये तीनों को तीन नीचे से ही जॉइंट है। और गाइस इसमें एयर पाइप हमने लगा रखी है, हमने लास्ट में लगाई थी जिसको हमने शूट करना रह गए थे, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हमारा गैस पाइप लगाने के टाइम पे वीडियो शूट नहीं हो पाती रह जाती है, क्योंकि टाइम थोड़ा सीमित था इसलिए। तो यहाँ पे हमने आउटपुट निकाल दिया, जो कि ये खेत में प्रोजेक्ट तैयार किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से। गाइस इसमें कई चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसकी गैस को भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं आपके आपको आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। सो गाइस देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो टॉयलेट सीट अभी हमने फिट कर दी है। ये देखिए, ये है उड़ीसा पेन टॉयलेट सीट और इनपुट हमने पूरे अच्छे तरीके से पक्का करके फिक्स कर दिया है। और पहले और दूसरे और तीसरे टैंक से हमने, ये देखिए नीचे हमने भी कंक्रीट डाल दिए हैं नीचे वाले पाइप पे, कोई थोड़ी बहुत भी लीकेज का चांस ना रहे। और हमने आउटपुट जो पाइप था इसको हमने मिट्टी से दबा दिया है, क्योंकि हमारा आरजी प्रोजेक्ट है और इसका हम कई चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं। आपको पूरे अच्छे तरीके से इनकी वीडियो मिलेगी। सो गाइस आपने देखा किस तरीके से हमने सेफ्टी टैंक का जॉइंट वगैरह लगाया, और उसके बाद देखिए हमने टॉयलेट सीट उड़ीसा पेन एक आरजी में फिट करी है, क्योंकि ये खुद का बजट था। हमने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारा कुछ ये सिस्टम किया, और इसमें हमने टॉयलेट सीट फिट किया और ऊपर से हमने जॉइंट करके आउटपुट हमने थोड़ा सा आगे 15-20 फीट पे निकाल दिया। तो गाइस इसमें आपको बता देता हूँ कि ये टैंक काम करेगा या नहीं करेगा, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे तरीके से दिखाऊंगा, क्योंकि इसको हमने अभी इंस्टॉल किया है, बट इसको यूज़ करने के बाद इसका आगे से जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा है, क्या है, काम करता है या नहीं करता, कलर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, पूरे अच्छे तरीके से मैं आगे आपको बताऊँगा। सो गाइस आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप जानना चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से कि ये टैंक काम करता है या नहीं करता, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।